नमस्कार, एएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां बिजली विभाग ने आज पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे। इस दौरान कई सरकारी विभाग, बैंकों और सरकारी आवासों के बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे गए। शासन के निर्देश के तहत 10,000 रुपये से ज़्यादा का बिल बकाया होने पर बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत आज गाजीपुर में ये अभियान चलाया गया। बिजली विभाग के अभियान से बकायेदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। गाजीपुर से एएस न्यूज़ के लिए आरिफ पारसी की रिपोर्ट। सीएमडी साहब द्वारा एक महाविच्छेदन अभियान चलाया जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से, जिसमें प्रत्येक डिवीजनों को 250 कनेक्शन और पूरे प्रदेश में लगभग 1,00,000 कनेक्शन जिनका बकाया 10,000 से ज़्यादा है उनके काटे जा रहे हैं। उसी के तहत एक कार्ययोजना चल रही है और इस शहर के अंदर हमको भी टारगेट मिला है, उसी के आधार पर हम काट रहे हैं। इसमें केवल अस्पतालों को, फायर विभाग को और पुलिस को छोड़ करके बाकी सारे बकायेदारों सरकारियों को भी कनेक्शन काटने, जिसके तहत शहर में भी कई लोगों काटे गए हैं। जैसे कई बैंकों के कनेक्शन खुले हैं, पीडब्ल्यूडी के कार्यालय खुले हैं, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस छोटा बंगला है उसका भी खुला है। कई और सरकारी आवासों के कनेक्शन खोले गए हैं जो बकायेदार थे, और प्राइवेट कंज्यूमरों के भी खोले जा रहे हैं जो दैनिक उपभोक्ता हैं उनके भी खोले जा रहे हैं, जिनके भी 10,000 ज़्यादा बकायेदार संपूर्ण खोले जा रहे हैं।